गुड इवनिंग डी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अलॉड डी ए स्टूडेंट्स फॉर योर वैल्यूएबल स्पोर्ट ऑन एन अकेडमी नाउ माई रैंक इज टू फोर्टी सिक्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म ओनली बिकॉज ऑफ योर स्पोर्ट्स तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे वहाँ पर सपोर्ट किया तो फर्स्ट डे जब अपने ने स्टार्ट की थी परसों जब क्लासेज अपनी स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर मेरी जो रैंक थी उस क्लास के बाद में मेरी रैंक थी तेरह सौ इकहत्तरवीं रैंक थी और फिर उसके नेक्स्ट डे अपने बात करें तो उस दिन मेरी रैंक टू एटी सिक्स हो गई थी और अब मेरी आज जो रैंक है अन अकेडमी पर वो टू फोर्टी सिक्स है मतलब दो सौ छियालीसवीं रैंक है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के कारण हुआ है मतलब फ़र्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था कल थोड़ा कम इंक्रीमेंट हुआ था क्योंकि कल अपने बात करें थोड़ी रैटिंग भी कम आई है स्टूडेंट्स की नाइन्टी सिक्स परसेंट रैटिंग थी और जो परसों वाला एडिटोरियल जो अपने अन अकेडमी पर किया था उस पर आपकी रेटिंग जो आप लोगों ने दी थी वो हंड्रेड परसेंट रैटिंग थी ठीक है तो कल हो सकता है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी तो कुछ स्टूडेंट्स को वो चीज़ अच्छी ना लगी हो कि मेरी तबीयत खराब होगी इसलिए स्टूडेंट्स को अच्छा ना लगा हो कि सर ने ढंग से पढ़ाया क्यों ढंग से नहीं पढ़ा पाया था वो तो वो चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी समझनी चाहिए ठीक है कि तबीयत ख़राब होगी तो उसमें मेरा कोई वो दोस्त थोड़ी है सोचने वाली बात है ना उसमें मैं क्या कर सकता हूँ तबीयत ख़राब होगी तो होगी ठीक है मैंने तो आपको अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता था तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया वहाँ पर ठीक है नहीं तो मैं रिशेड्यूल कर सकता था उस क्लास को लेकिन मैंने सोचा कि अगर जब आपको टाइम दे दिया गया है मैंने आपको टाइम दे दिया था वहाँ पे कि फ़ोर पीएम पे आपकी क्लास होगी तो मैंने सोचा कि जब बच्चों को बुला लिया है फिर उनको फिर उनके साथ ही एक टाइप से तो क्या हो जाए धोखा हो जाएगा कि उनको आपने बुला लिया और आप क्लास के अंदर आए नहीं तो वो बच्चे अपना टाइम फिक्स करके टाइम निकाल के क्लास में आते हैं और टीचर क्या करता है फिर वो जब आता नहीं है तो बच्चों का क्या होता है फ़्लो टूटता है तो उस फ्लो को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश तो की थी क्लास करवाने की लेकिन फिर भी करवाई भी थी मैंने जैसे तैसे हो सकता था वैसे मैंने क्लास कंप्लीट भी की थी क्योंकि तबीयत ज़्याद बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी थी तो वो रेटिंग वगैरह जो आप होती है वो थोड़ी आप है ना उस पर थोड़ा भावनाओं को समझ कर दे दिया करो रेटिंग्स वगैरह ठीक है देखो जैसे ही आप वीडियो वगैरह जो आपकी होती है कंप्लीट होता है आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको रेटिंग का ऑप्शन आता है उसमें जितने भी ऑप्शन आते हैं सारे कि रैलवेंट है या नहीं है टीचिंग स्टाइल कैसा है उन सबको आप क्लिक कर दिया करो रेटिंग देने में आपके घर से कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरे लिए प्लस पॉइंट है ठीक है आपके लिए अगर मैं आपको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए आपको मेरी पढ़ाने से कोई बेनिफिट है तो आप रेटिंग देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो रेटिंग आप दे सकते हो उसमें आपसे कोई चार्ज नहीं लगेगा समझ गए हर चीज़ और ये मैं हर किसी को नहीं बोलता रेटिंग के लिए सिर्फ आप लोगों को बोल रहा हूँ क्यों क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स मेरे रेगुलर जो स्टूडेंट्स मेरे क्लासेज में जो आते हैं या यूट्यूब पर वो सारे के सारे मैं उनको क्या मानता हूँ अपनी फैमिली मानता हूँ और उनके लिए मैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ मतलब अपना हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश करता हूँ कि कहीं पे भी चूक ना हो जाए बच्चों को कहीं पे भी नेगेटिव पॉइंट ना चला जाए उनका फ़ायदा हो यही चीज़ मैं करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए डेडिकेशन के साथ तो हंड्रेड परसेंट डेडिकेशन देता हूँ आप लोगों को क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूँ और ऊपर से आप लोगों से उम्मीद है इसीलिए सिर्फ आप मैं कभी किसी को नहीं बोलता सिर्फ आप लोगों को ही बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पर रेटिंग दिया करो ठीक है समझ में आई चीज़ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे वीडियो देखते हैं उसके बाद में आप क्या किया करो वहाँ पे रेटिंग दिया करो जो सारी की सारी जितनी रेटिंग्स होती है उसके अंदर वो सारी रेटिंग्स दे दिया करो ठीक है जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग दे दिया करो मुझे ऐसे लगता तो नहीं है कि आपको कुछ गलत लगेगा वहां पे तो आप रेटिंग दे दिया करो जैसे आपको देनी हो उस तरीके से सिर्फ आप लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि आपको मैं अपना खुद का अपना मानता हूं ठीक है तो वो वाली बात है तो ये बात तो अपनी कंप्लीट होगी अब यहां पे अपने बात करें तो अब एडिटोरियल को स्टार्ट कर लेते हैं तो एडिटोरियल जो आपका है वो किस पे है बड़ा ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने इसको लिया है राइट बाय बर्थ जन्म के द्वारा अधिकार मतलब जन्म सिद्ध अधिकार बोल सकते हो आप इसको ऑन किस पे है डोटर्स एंड हिंदू सक्सेसन एक्ट डोटर्स बेटियों और जो हिंदू सक्सेसन एक्ट सक्सेसन का मतलब क्या होता है जो उत्तराधिकार जो नियम है हिंदुओं का उत्तराधिकार वाला जो नियम उत्तराधिकारी वाला जो नियम है उस पर तो एडिटोरियल आपका किस पे जाएगा कि जो पेरेंट्स की जो माता पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर जैसे अपने बोलते हैं ना कि लड़कियों का अधिकार है या नहीं उसके ऊपर ये आपका पूरा का पूरा क्या है एडिटोरियल है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एडिटोरियल सभी के लिए बहनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी में हक है भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कितना हक है समझ यार चीज़ तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए तो पता ही है सबके अंदर चलती रहती है बातें प्रॉपर्टी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है ठीक है लेकिन प्रॉपर्टी पे इतना मत जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है उस पर ज्यादा इतराना नहीं चाहिए प्रॉपर्टी वो होती है जो आप खुद से कमाते हो समझ में आ रही चीज़ तो अपने ये नहीं सोचते अपने तो प्रॉपर्टी क्या होती है जो खुद से कमा सकते हो आप खुद ने आप लोगों ने क्या किया है माँ बाप के नाम पर तो आप कुछ भी कर सकते हो वो तो अलग चीज़ है कि उनके नाम से आपको जाना जाए वो अलग बात है लेकिन कुछ खुद करके दिखाओ कि आपका खुद का एक बहुत बड़ा नाम हो जिससे आपके माँ बाप का भी नाम हो वो बा... वो चीज़ करो तो तो बहुत तगड़े वाली बात है तो अपने तो वही चीज़ सोचते हैं कि खुद से कमाओ चाहे प्रॉपर्टी अपने पास कुछ ना हो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता वो वाला केस चलो ये तो बात अलग होगी अपने एडिटोरियल पर ही आते हैं वापस ऐसी डिसीजन ऐसी डिसीजन का मतलब ऐसी शेड्यूल्ड कास्ट की बात नहीं और रही यहाँ पर एससी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट बता रहा है पे आप का डिसीजन नहीं है। ये डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट को एस बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। किस पे है? आ, कोपास्नरी। कोपास्नरी का मतलब होता है आपका हम वारिस होना कोई भी चीज का प्रॉपर्टी में बराबर जो वारिस हो उत्तराधिकारी उसके बाद प्रोपार्शनरी राइट्स ऑफ वुमेन किसका वुमेन का जो अधिकार है राइट्स अधिकार है वुमेन का इज वो क्या इज़ इन लाइन विद वो किसके साथ जुड़ा हुआ है द एम ऑफ एंडिंग एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन एम जो उद्देश्य है किसका लक्ष्य एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन पक्षपात को मिटाने का जो उद्देश्य है उसके साथ जुड़ा हुआ है कौन जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वुमेन्स के राइट के ऊपर जो डिसीजन है वो किसके साथ जुड़ा है कि पक्षपात को क्या करना है ख़त्म करना उसकी एंडिंग करनी है अब स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को तो स्टार्ट करें तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहां से द लेटेस्ट लेटेस्ट डिसीजन डिसीजन जो latest decision है हाल ही का जो डिसीजन आया है लेटेस्ट वाला ऑफ द सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट किसका Supreme Court का जो लेटेस्ट डिसीजन है ऑन किस पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जारी है सारी की सारी क्या लेटेस्ट डिसीजन हाल ही का निर्णय किसका सुप्रीम कोर्ट का ठीक है किस पर ऑन द राइट ऑफ हिंदू डोटर्स जो हिंदू डॉटर्स है बेटियां हैं उनके अधिकार पे जो डिसीजन है टू किसकी की तरफ एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एनसेस्ट्रल का मतलब एनसेस्ट पैतृक जो प्रॉपर्टी जायदाद है करेक्ट्स वो करेक्ट करता है डज करेक्ट करेक्ट करता है बिल्कुल सही कर देता है क्या एन ऑब्बियस अनोमली ऑबियस का मतलब जो स्पष्ट रूप से अनोमली का मतलब जो अनियमितता अनिरंतरता है इन किस में इन द इंटरप्रिटेशन इंटरप्र बयान जो आया बखान आया अर्थ जो आया है ऑफ किसका सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रही है सेंटेंस बड़ा शानदार बन रहा है हिंदू है, है, 1956. 1956 वाला जो आपका क्या था हिंदू सक्सेशन उत्तराधिकार वाला एक्ट था उसकी तरफ जो संशोधन वाला दो हजार पांच वाला जो संशोधन है उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसका जो जो आपने बात करें प्रस्तुतिकरण है उसमें जो अनियमितता है मतलब लोगों को पता नहीं है रियल में एक्ट क्या है वो अनियमितता है उसको क्या कर देता है करेक्ट कर देता है हिंदू है? डॉटर्स को ऑफ खा, खा गया राइट को ऑन खा गया सुप्रीम कोर्ट को ऑफ खा गया डिसीजन तो यहां पे सब्जेक्ट आपका मिला वो कौन मिला डिसीजन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिला तो करेक्ट का सब्जेक्ट है डिसीजन तो मतलब क्या निकला कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पैतृक जो जायदाद है उसकी तरफ डोटर्स हिंदू डोटर्स का जो अधिकार है उस अधिकार पे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो निर्णय जो अनियमितता बनी हुई है ना अमेंडमेंट की उसको वो बिल्कुल सही कर देता है करेक्ट करता है कि लोग जो इसके बारे में सोच रहे हैं कि वो अलग वे में सोच रहे हैं तो इसने सही बता दिया कि रियल में ये चीज़ क्या है मतलब बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं मिथ्स बनी हुई है ठीक है अपने बोले तो मिस रिप्रेजेंटेशन आई हुई है जो चीज़ें हैं उनको उसने क्लियर किया है ठीक है आगे पढ़ते हैं द वर्डिक्ट वर्डिक्ट का मतलब जो फैसला सेटल्स डज सेटल सब्जेक्ट वर्डिक्ट बिल्कुल पास में मिल गया सिंगुलर कोई दिक्कत नहीं है डज आएगा डू नहीं आएगा द वर्डिक्ट सेटल्स जो निर्णय है वो सेटल करता है तैयार करता है बनाता है और पूरा करता है किसी बात को क्लियर करता है क्या द क्वेश्चन किसको क्वेश्चन को क्लियर कर देता है क्या वैदर की है या नहीं वैदर का मतलब है या नहीं वैदर की द कोपार्शनरी राइट कोपार्शनरी का मतलब जो हम वारिस वाला जो राइट है बराबर हक वाला जो राइट अधिकार है ऑफ किसका डोटर्स कम्स वो आता है आता है किसमें इंटू इफेक्ट प्रभाव में आता है तो कम्स का सब्जेक्ट देखें तो डोटर्स को ऑफ कहा गया राइट बिल्कुल सही है राइट यहां पे व्यादर द राइट कि जो अधिकार है कि क्या वो अधिकार जो डोटर्स का जो अधिकार है वो कम्स इंटू क्या वो प्रभाव में आता है ओनली केवल भी इफ यदि केवल यदि किस कंडीशन में ओनली किस कंडीशन में ओनली इस कंडीशन में क्या द फादर थ्रू हुम पिता जिसके थ्रू जिसके माध्यम से हु हु थ्रू हु मतलब जिसके माध्यम से थ्रू हिम होता है ना उसके माध्यम से तो थ्रू हुम जिसके माध्यम से दे क्लेम वो क्लेम करते हैं दावा करते हैं दैट की राइट वॉज अलाइव कि अधिकार जिंदा था ऑन द डे उस दिन पर जिंदा था अधिकार जिंदा था कोई मीनिंग आ रहा है क्या कोई मीनिंग नहीं आ रहा और क्लेम क्या करते दावा क्या करते हैं इसका मतलब दैट की वर्किंग की जो वह होगा की कितना पढ़ा गलत चला गया ना किसने बोला कि वो क्ले दावा करते हैं कि अधिकार जिंदा था उस दिन पर अधिकार जिन... अधिकार जिंदा कैसे होगा कोई मीनिंग नहीं आ रहा डैट को एक बार आप क्या पढ़ो जो की तरह पढ़ नहीं सकते हैं? जो तो होगा ही नहीं क्योंकि उसके बाद में कोई मॉडल वगैरह नहीं है राइट वोज है वोज का सब्जेक्ट तो राइट बन रहा है ठीक है तो दैट तो नहीं बन रहा सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन रहा इसका मतलब जो भी नहीं है ठीक है प्रोनाउन नहीं है तो दैट वह कितना होगा ना वह राइट right, मतलब वो दावा करते हैं क्या दावा करते हैं वह राइट right जिंदा था वो अधिकार जिंदा था वो अधिकार जिंदा था फिर से गड़बड़ होगी इसका मतलब वोज का सब्जेक्ट दैट राइट नहीं है यहाँ गड़बड़ हुई तो इसका मतलब क्या निकला इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं दैट राइट तो होगा नहीं मीनिंग नहीं दे रहा था दैट क्लेम के साथ चला गया होम थ्रू का तीर लग गया फादर बिल्कुल सिर्फ फादर तो यहाँ पे आप क्या करो एक बार इसको हटा दो इतने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हटा दो समझने के लिए इतनी बात अपने हटा देते हैं कि वो आपका इफेक्ट में आता है जो अधिकार है वो इफेक्ट में प्रभाव में आता है कब आता है केवल उस कंडीशन में आता है कि पिता जिंदा थे ऑन द डे दिन पर कौन से दिन द अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स जिस दिन आपका संशोधन फोर्स में आया था लागू हुआ था मतलब 2005 की बात कर रहा हूं उस टाइम पे जब लागू हुआ था तो मतलब क्या निकला कि क्वेश्चन जो है वो उसको क्लियर कर देता जो निर्णय है वो क्लियर कर देता इस क्वेश्चन को कि पुत्रियों का जो अधिकार है वो प्रभाव में आता है केवल उनका पिता अगर जिंदा था आता इसका मतलब अभी भी बेटियों का अधिकार हो सकता है यदि एक कंडीशन पे कि जिस टाइम पे लागू हुआ था 2005 में उस टाइम पे उनके पापा जिंदा थे तभी उनको अधिकार होगा अगर 2005 में वो जिंदा नहीं थे तो बेटियों का कोई अधिकार नहीं है ऐसी बात है तो ये चीज उसने यहां पे क्लियर की है कि बेटियों का अधिकार जिनके पिता 2005 से पहले एक्सपायर हो गए थे ठीक है उनको प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा उस बात को किया क्योंकि अब तक यही चलता था भ्रांति यही बनी हुई थी लोगों के माइंड में यही था कि जो दो में जब ये अमेंडमेंट आया था उससे पहले अगर किसी के पापा एक्सपायर्ड है तो उस लड़की का क्या है हक़ नहीं होगा प्रॉपर्टी पे इस बात को इसने सेटल कर दिया इस क्वेश्चन को और कैसे सेटल किया वो आगे देखेंगे कि उनका अभी भी हक है या नहीं है अब आप क्या करो आप एक काम करो जितनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशनों ने ली थी उस सब को अपने क्या कर देते हैं एक बार से से रिमूव करके देखते हैं अब पढ़ना कैसे इफ़ द फादर फादर कौन थ्रू 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 जिसके थ्रूं दे जिसके दे क्लेम वो दावा करते हैं किसका द राइट अधिकार का दावा करते हैं तो ये यहां पे इतना रहेगा तो ये जो आपका दैट राइट है ना ये दे क्लेम का क्या है क्लेम का तीर खा रहा है उसका ऑब्जेक्ट है क्लियर हुआ बात समझ में आई तो बात ये बोलना चाहता है क्या कि जो वर्डिक्ट फैसला है वो सेटल कर देता है क्वेश्चन को क्या कि जो राइट right है उनका हमवार सोने का जो राइट right है पुत्रियों का बेटियों का कम वो इफेक्ट में आता है केवल तभी इफेक्ट में आता है कि जिस पिता के थ्रू वो राइट right को क्लेम करते हैं दावा करते हैं जिस राइट right का वो पिता उस पॉइंट पर जिंदा थे या नहीं थे ये बात इसने यहां पर बोली है क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से बात करना चाहता है तो ऐसे होता है देखो वर्किंग डैट राइट right को पहले अपने वर्स का सब्जेक्ट पढ़ लिया लेकिन मीनिंग नहीं है तो दो तीन बार अपने करेक्शन किया तो लास्ट में जो अल्टीमेट जो रियल आपका क्या था सेंटेंस था वो आ गया ना अब मैं डायरेक्ट आपको ये पढ़ा देता हूं कि दैट राइट वोज अलाइव वगैरह ऐसे करके भाई वोज का सब्जेक्ट क्या है फादर है ठीक है तो आप कैसे आपको कैसे कैसे पता लगता है कि फादर है या नहीं आपको तो कन्फ्यूजन रहता ना तो इस तरीके से इंग्लिश को किया जाता है अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप तो बता देते हो लेकिन हम खुद से कैसे करें अब देख लिया ना खुद से कैसे करना होता है खुद से कैसे माइंड को जगाए रखो अपना सेंस चमकाए हुए रखो तब आप खुद से भी कर पाओगे क्लियर हुआ आप लोगों के या नहीं हुआ मुझे जल्दी से लाइव चेट के अंदर बता देना कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ समझ में आ यारे चीज ये क्लियर हो गया हो think, और क्लियर क्यों नहीं होगा हुआ था जो सेट हो ही नहीं रहा था वह सेट हो गया कैसे हुआ अभी अपनों ने किया है तो इस तरीके से पढ़ना होता है ये कोई मैंने नहीं बताया आपको ये अपनों ने खुद से किया है क्योंकि हर पॉइंट को अपनों ने ध्यान में रखा अपने आप हो गया क्लियर है ना इस तरीके से पढ़ना होता है समझ में आया नेक्स्ट वाला apex court. Apex का मतलब जो सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर चोटी शिखर वाला जो कोर्ट है मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कुछ किया होगा हैज नाउ कैटेगरिकली रूल्ड उसने रूल किया है मतलब एक फैसला सुनाया है दैट की तरह पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम की द डोट राइट जो डोटर प्लूरल दिया यहाँ पे मतलब जो बेटियों का जो अधिकार है फ्लोज वो क्या करता है फ्लो करता है फ्लो करता है, मतलब बहता है बहाव मतलब शुरू से ही स्टार्ट मतलब बहता मतलब उनका अधिकार चलता रहता है बना हुआ है इस तरीके से फ्लोज फ्रॉम देयर बर्थ बचपन से उनके अंदर खून बह रहा है वैसे ही उनका अधिकार बह रहा है मतलब ये अधिकार तो मेरे रोम रोम में है इस तरीके से आप बात कर सकते समझ में आई आपकी चीज़ अब आपको ये भी पता लग रहा है ना तबियत सही है मेरी ठीक है हर तबीयत मेरी बिल्कुल सही है यहां पे अपने बात करें तो अपेक्स कोर्ट है उन्होंने क्या किया किया है कैटेगोरिकल फॉर्म में रूल किया है फैसला सुनाया है कोर्ट ने क्या कि जो डॉटर्स का अधिकार है वो उनके बचपन से उनके साथ फ्लो करता है मतलब जैसे खून फ्लो करता है ब्लड फ्लो करता है वैसे ही उनका अधिकार फ्लो करता है मतलब उनका जन्म सिद्ध अधिकार है ये बात बोली डज फ्लो का सब्जेक्ट देखें तो राइट हो जाएगा डॉटर्स राइट इसका सब्जेक्ट सिंगुलर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डॉटर्स प्लुरल है सर डोटर्स प्लुरल है तो क्या हुआ स्टूडेंट्स टीचर मैं आप कितने सारे स्टूडेंट्स हो उन सबका एक टीचर हूं ना तो मैं तो टीचर तो एक ही हूं ना आप लोगों का बस मेरे पे अधिकार है पोजेशन है आप लोगों का तो बहुत सारे लोगों का एक टीचर तो बात क्या हो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चले आप लोगों का भाई इस तरीके से अपने बात करें तो तो आप लोगों का टीचर हो गया ना मैं तो टीचर हो गया इसका मतलब क्या है आप लोगों का भाई हो गया एक टाइप से ठीक है भाई की तरह अपने अगर सेंटेंस को लेकर चलें समझ भाई की तरह अगर सेंटेंस को लेकर चले कि आप लोगों का आप सबका एक भाई ठीक है यूनिवर्सल भाई ठीक है उस तरीके से अपने बात में आप सबका एक भाई इसका मतलब आप सबका टीचर तो वो टीचर तो एक है ना अधिकार आप सबका है लेकिन बंदा कितने दिखेंगे आप तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में जाओगे आपका वो भाई आपका वो टीचर दिखाई देगा समझ में आ रही किस तरीके से मैं एग्जांपल ले रहा हूं समझ में आ रही है ना उस तरीके से समझो इस चीज को आगे बात करें एंड नॉट बाय एनी अदर फैक्टर और ना किसी अन्य फैक्टर के द्वारा कारण के द्वारा सच एज जैसे कि एग्जाम्पल दिया कोई फैक्टर का द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर फादर्स उनके फादर्स की एग्जिस्टेंस मतलब उनका मौजूदगी जरूरी नहीं उनके पिता मौजूद हो चाहे ना हो उनका अधिकार जैसे उन्होंने उस घर में जन्म ले लिया उस बेटी ने तो उस बेटी का अधिकार पूरा पूरा अधिकार है उस घर पे जितना बेटे का अधिकार उतना ही क्या है बेटी का अधिकार है ये बात बोलिए बड़ी ही शानदार बात बोलिए बड़ा ही शानदार रूल आया है किसका सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही शानदार अप्रिशिएट करने वाला डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट बड़ा ही मस्त वाला डिसीजन है क्योंकि बेटी को तो प्रायधन बोल के बेटी को भगा दिया जाता है घर से भगाया तो नहीं जाता वैसे आराम से भेजा जाता है वैसे ठीक है अगले घर लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी आई कि उनको पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी जब उसने वहाँ पे जन्म लिया है तो बेटे के बराबर उसका हक होना जरूरी है बेटा बेटी दोनों समान और ये जो चीज़ है इसी से क्या होगा गर्ल्स की रेस्पेक्ट बढ़ेगी समाज के अंदर क्योंकि गर्ल्स को अभी क्या किया जाता है इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं दी जाती जितनी बॉयज को दी जाती है बेटियों को बेटों को बेटियों से ऊपर रखा जाता है तो इन चीज़ों के कारण अब क्या होगा बेटियों की भी बराबर रेस्पेक्ट होगी मैं ज़्यादा की नहीं बात कर रहा बराबर रेस्पेक्ट दोनों मेल फीमेल दोनों ही क्या होते हैं बराबर बराबर हकदार होते हैं दोनों का बराबर हक होता है इस दुनिया में पूरा सबका बराबर हक है ठीक है तो उनका दोनों का बराबर हक है इसका मतलब दोनों को बराबर की पोजीशन मिलनी चाहिए कोई कम ज्यादा नहीं है यह वाली बात हो तो यह सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है बड़ा ही शानदार डिसीजन क्लियर हो गया आपके समझ में आ गया होगा एंड का रिफ्लेक्शन देखोगे तो कहाँ से मिलेगा आपका एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढो जल्दी फ्लोज के बाद से नहीं आएगा क्या के पास से आएगा ना कि उनके बचपन से ही फ्लो करता है ना कि किसी और फैक्टर के द्वारा फ्लो करता है बचपन से मतलब कब से जब से पैदा हुआ है उस पॉइंट से लेकर डिपार्चर फ्रॉम और कोई दूसरे कारण के द्वारा मतलब वो एक एजेंट है कि पिता की मौजूदगी एक एजेंट है तो बाय यूज हो गया कोई दिक्कत नहीं है एक में बाय एक में फ्रॉम ऐसे मत करना क्योंकि एंड कर लेते क्या कहते हैं बहुत सारे टीचर बोलते हैं पैरलिज्म आएगा तो यहां पे फ्रॉम आना चाहिए फ्रॉम कैसे हो जाएगा पिता की मौजूदगी से थोड़ी मिलेगा आपको उसके द्वारा मिले पिता की तो मौजूदगी आपको राइट दिलवाएगी ना तो वो वाला द्वारा है मतलब एजेंट क्लियर है यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या समझ में आया अब चलते हैं नेक्स्ट पर मैं थोड़ा फ्लो में आ गया यहाँ तक डाउट है वैसे ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी आपकी वीडियो लेकिन आप डाउट हो तो लाइव प्रीमियर के अंदर लाइव चैट होती है वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ वहाँ पे पूछ लेना क्योंकि मैं अनकेडमी वाले फ्लो में आ रहा हूँ थोड़ा कि किसी को डाउट है जल्दी पूछ लो मैं डायरेक्ट वहाँ पे बता देता हूँ आपको देखो अन अकेडमी पे ज्वाइन करने का देखो यहाँ ज्वाइन रखो आपकी प्रैक्टिस रहेगी यहाँ पर बड़ा मस्त करेंगे अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट जो पेपर होंगे वो यहीं पर होंगे यूट्यूब पे आपके जो सैटरडे को आपका पेपर होगा वो क्या होगा यूट्यूब पर ही होगा ठीक है सैटरडे को अपने अन अकेडमी ऑफ रखेंगे ठीक है मंडे टू फ्राइडे चलेगा अपना अन अकेडमी फिर भी आप एक बार मेरी प्रोफाइल चेक करते रहना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहूँगा कि शेड्यूल क्या है समझ में आ यारी चीज़ तो अकेडमी का ये प्लस पॉइंट है कि अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो वहां पे मैं लाइव रहता हूँ तो मैं वहां पर आप कुछ भी पूछोगे मैं चैट पढ़कर कर आपको बोलकर वो डाउट क्लियर करूंगा समझने अरे चीज और यहां पे मैं आपको चैटिंग के थ्रू लाइव प्रीमियर में यहाँ पे डाउट क्लियर करूंगा ठीक है तो समझिए वो प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी वो अपने एक बात करें तो वो कैसा प्लेटफॉर्म है वो एक कोचिंग प्लेटफॉर्म है तो वहां पर मैं एज ए टीचर एज एज एन एम्प्लॉय पढ़ाता हूँ ठीक है और यहां जो अपना प्लेटफॉर्म है ये अपना खुद का प्लेटफॉर्म है मतलब अपने सबका मिलकर प्लेटफॉर्म है यहां पे अपने जैसे करें वैसे जैसे मस्ती करें वैसे मस्ती करें चाहे कैसी वीडियो डालें अपने मस्ती वाली वीडियो डालें बातें करें कुछ भी करें इस प्लेटफॉर्म पे अपने कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर अपना अधिकार है पूरा का पूरा और वहां पर अपने अंडर काम करना पड़ता है अकेडमी के ठीक है मुझे अंडर काम करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय हूँ यहां पे ये जो है वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा जैसे आप बोलोगे वैसे चलेगा जैसे मैं करूँगा मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग चलेगा अपने मिलजुल कर चलाएंगे इसको ये अपना प्लेटफॉर्म है कैसा प्लेटफॉर्म है फैमिली टाइप का अपना परिवार है और वो प्लेटफॉर्म वो क्या है वो किसी और का प्लेटफॉर्म है उसका अपने फ़ायदा उठा रहे हैं कैसे फायदा उठा रहे हैं क्योंकि अपने लाइव बातें कर सकते हैं वहाँ पर आप डाउट लाइव वहाँ पर पूछ सकते हो तो दोनों ही प्लेटफॉर्म है अपने लिए जरूरी है ये तो अपना खुद का इसलिए ज़रूरी है और वहाँ पर वो एक टाइप से मेरे लिए वो जॉब है इसलिए ज़रूरी है और आपको वहां पे सीखने को मिलेगा थोड़ा आप एक टाइप से मेरा सपोर्ट भी कर रहे हो ठीक है सारी चीजें हैं इस तरीके से अपने बात करें तो समझ में आ रही चीज तो वो वाला केस है क्लियर है अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में अपने बात करी तो इसने क्या बोला है इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में बात बोली इसने दूसरे शब्दों में क्या इट हैज रिजेक्टेड इसने क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया रिजेक्ट कर चुका है इस पॉइंट पे द कॉमन मिस एंटरप्रेडेशन जो कॉमन सामान्य फॉर्म में मिस इंटरप्रिटेशन मतलब गलत जो बयान है गलत प्रस्तुतिकरण है गलत धारणा है उसको रिजेक्ट कर चुका है दैट की क्या धारणा है की की कितने पढ़ेंगे एक बार ओनली डोटर्स केवल डोटर्स अब ओनली देखना एक तो आपने पढ़ा ओनली डोटर का मतलब एकमात्र डोटर इकलौती बेटी ओनली डोटर्स इकलौती बेटियां कि हर पिता की इकलौती बेटियां हैं वो भी ओनली डोटर को बताता है ओनली केवल को भी बताता है तो देखेंगे यहाँ पे क्या कंप्लीट पढ़ने के बाद पता लगेगा इकलौती पढ़ लेते हैं एक बार ठीक है अगर माइंड में आ रहा से आ जाता है ना ओनली डॉटर आप ब्लड रिलेशन वगैरह करते हो तो उसमें आता है ना ओनली डॉटर सी इज द ओनली डॉटर बी इज द ओनली डॉटर ऑफ ए ठीक है इस तरीके से आपके आते हैं कि नहीं आते ही इज ओनली फादर आता है क्या ऐसे ओनली फादर क्या इकलौता ही होता है बाप तो यही चीज ओनली डॉटर या सन के लिए आता है ठीक है समझ आया ओनली फादर के लिए नहीं आता मदर के लिए नहीं आता इकलौता बाप इकलौती माँ थोड़ी होता है मतलब ये कई बार क्या होता है कुछ बच्चे मैंने सुना है जब रीजनिंग क्लासे चली होती है जब मैं ऑफिस में वेट करता होता हूँ कई बच्चे बोल देते हैं सर ओनली फादर भी हो सकता है क्या ओनली मदर भी हो सकती है क्या ठीक है तो ओनली मदर फादर क्यों होगा इकलौती माँ इकलौता बाप वो तो इकलौते ही होते हैं पांच पांच थोड़ी होते हैं सोचने वाली बात ना इकलौते पिता इकलौती माँ होती है तो ये नॉन क्वेश्चन है वैसे तो लेकिन वो कब पूछते हैं जब उनका थोड़ा ज्यादा टेढ़ा चमक जाता तो ऐसा चमक जाए ना उस टाइम पे बुझा लिया थो थोड़ा सा ओनली फादर नहीं होता ओनली डॉटर्स इकलौती जो बेटियां हैं ऑफ कोपासनर कोपार्सनर का मतलब क्या है जो हमवारी से मतलब पिता वगैरह की बात करें अपने हु वो अलाइव जो जिंदा थे ऑन दैट डे उस दिन कुड गेट वो प्राप्त कर सकते हैं एन इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी किसमें प्रॉपर्टी में जायदाद में बराबर शेयर प्राप्त कर सकते हैं कुड का सब्जेक्ट जल्दी जल्दी बता दो मुझे कुड का सब्जेक्ट वट इज द सब्जेक्ट ऑफ कुड गिव मी द आंसर फास्ट जल्दी जल्दी आंसर दो मुझे यहाँ पे कुड का सब्जेक्ट क्या है जल्दी से बताओ कुड का सब्जेक्ट तो यहाँ पे चलते हैं ढूंढ लेते हैं दैट डे को ओन खा गया अलाइव के साथ चला गया को पार्सनर को कौन खा गया ऑफ खा गया ओनली डोटर्स ओनली डॉटर और डेट की कितना दूसरे शब्दों में बात करें हैं। तो क्या कर दिया मतलब ऐसी बात बताई है उन्होंने कि ये बेटी का जन्म सिद्ध अधिकार है तो दूसरे शब्दों में बात करें तो उन्होंने बोला कि जो गलत धारणा बनी हुई है कि पुत्रियां एकमात्र पुत्रियां पुत्रिया केवल पुत्रियां ठीक है इस तरीके से ओनली डॉटर्स ऑफ कि केवल उन्हीं पुत्रियों का अधिकार है प्राप्त कर सकती है जिनके पिता जिंदा है इसको उसने रिजेक्ट कर दिया तो मिस इंटरप्रिटेशन क्या है

कोर्ट हैज राइटली राइटली सही तरीके से रिकग्नाइज रिकगज किया हैज राइटली रिक्नाइज सही तरीके से रिकोगनाइज किया है पता लगाया है बताया है डाटकी कितने पढ़ेंगे एक बार द अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट संशोधन है कन्फर्ड उसने प्रदान किया इक्वल स्टेटस बराबर का दर्जा एज ए कोपार्सनर कोपार्सनर की फॉर्म में बराबर का दर्जा दिया किसकी तरह किसकी तरह एज ए पार्सनर एक हम वारिस की तरह ऑन किस पर किस पर स्टेटस स्टेटस ऑन डॉटर्स डॉटर्स बेटियों पर इन हिंदू फैमिलीज किस में हिंदू फैमिलीज में गवर्न बाय जो कि गवर्न बाय संचालित है किसके द्वारा मिताक्षरा लो कोई लो है ये बेटियों का सपोर्ट करने वाला उस लो के द्वारा जो संचालित है समझ में आया चीज़ तो ये बात इसने बोली है तो गवर्न क्या है आपका गवर्न क्या है V3 है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है किसके लिए जो हिंदू फैमिलीज वगैरह उनके लिए जो कि संचालित है मतलब ये लो के लिए हुआ है लो जो कि क्या संचालित कंट्रोल्ड किसके द्वारा मिताक्षरा लो के द्वारा जो कंट्रोल्ड उसमें बेटियों को क्या करता है इक्वल स्टेटस दिया एंड दिस राइट एक्ड बाय बर्थ एक्ट का मतलब जमा होना जुड़ा होना ये जो अधिकार है वो एक् डिड का सब्जेक्ट राइट right, अधिकार बाय बर्थ जन्म के द्वारा ही जुड़ा हुआ है मतलब बर्थ के द्वारा बर्थ जो जन्म है उसने जोड़ा था उसको मतलब जोड़ने का काम किसने किया बर्थ ने जोड़ा था तो वो एजेंट बन गया ना किसी के द्वारा मुझे कोई चीज आपके द्वारा दी गई आप लोगों ने मुझे मान लीजिए रेटिंग दी जैसे माने अनकेडमी पे आप लोगों ने रेटिंग दी तो वो बाय यू हो गई ना देखो अन एकेडमी में एक चीज़ और बता दूँ जो आप रेटिंग देते हो होट वगैरह देते हो बहुत ही बढ़िया चीज़ देते हो आप बड़े ही शानदार बहुत सारी हेट्स मिल चुकी है मुझे दो ही दिनों में आठ हेट दे दिया आप लोगों ने ठीक है मतलब उससे बहुत प्लस रिव्यूज आता है उसी कारण मेरी रैंक इतनी स्पीड में बढ़ी है ठीक है तो जो हैट वगैरह आप देते हो उसमें आप कमेंट देते हो तो वो कमेंट आप दिया करो कोई दिक्कत नहीं वो मैं रिप्लाई आप ऐसे मैं सोचना कि सर रिप्लाई क्यों नहीं करे क्योंकि वहाँ मैं रिप्लाई नहीं कर सकता वो आपका क्या है रिव्यू है वीडियो के अंदर आपको कमेंट का ऑप्शन मिलता है वहां पे आप कमेंट कर सकते हो वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूं समझ में आ रही चीज तो वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूं लेकिन वो जो कमेंट आप देते हो रिव्यू की फॉर्म में वो अनकेडमी देखती है वो अनएकेडमी प्लस पॉइंट है अनएकेडमी पे कैसे कि अनएकेडमी देखती है कि इन सर को तो बच्चे बहुत चाहते हैं तो उसका प्लस पॉइंट है मेरे लिए बहुत ज्यादा तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ठीक है आप ऐसे स्पोर्ट बनाए रखना ठीक है क्योंकि जरूरी है ये चीज समझ में आ यार मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए क्यों बोल रहा हूं वो आपको पता है क्योंकि अपने एक परिवार है तो वो वाला है तो आपके द्वारा जो, तो तो जो अधिकार, नहीं, आपको अधिकार दिया उस घर में पैदा होने ही आपको अधिकार दिलवा दिया तो बाई एजेंट कितना क्लियर एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो स्टार्ट से आपका जाएगा ठीक है कहा से जाएगा आई थिंक दैट के बाद से देखते हैं कन्फर्ट का तो अमेंडमेंट है ही दैट के बाद देखना कि कोर्ट ने रिकोगनाइज बताया है बिल्कुल सही तरीके से बताया कि जो अमेंडमेंट है वो इक्वल स्टेटस देता है और जो अधिकार है वो जन्म से ही है दैट के बाद ही एंड का रिफ्लेक्शन जाएगा क्लियर है समझ में आया क्लियर हुआ आप लोगों के अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करें तो ये क्या बोलना चाहता है यहाँ पे द चेंज जो बदलाव है जो बदलाव है कैम into इफेक्ट वो क्या आया प्रभाव में आया मतलब सामने आज बदलाव आया प्रभाव में मतलब लागू हुआ कैम डिड कम मतलब पास्ट बदलाव उसका चेंज उसका सब्जेक्ट है दो हजार पांच से वो क्या आया बदलाव जो है वो इफेक्ट में आया बट लेकिन विद ए प्रोविजन एक नियम प्रावधान के साथ दैट जो पार्टिसंस की पार्टिसंस की भी हो सकता है और जो भी हो सकता है दैट पार्टिसंस जो क्या करता है पार्टीशन करता है मैंने जो कितना पढ़ा एक बार जो देख लेते हैं पढ़ लिया माइंड ने पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं पढ़ लिया पढ़ लिया बट विद ए प्रोविजन एक प्रोविजन नियम के साथ नियम जो प्रोविजन पार्टिसंस पार्टिसंस का मतलब जो पार्टीशन करता है अलग करता है और या टेस्टामेंट्री डिपोजिशन या फिर टेस्टामेंट्री डिपोजिशन तो, तो डिस्पोजिशन तो आपका क्या हो गया टेस्टामेंट्री का मतलब वसीयत की फॉर्म में डिस्पोजिशन का मतलब स्थिति तो डिस्पोजिशन तो आपका एक्शन होगा नहीं तो देट अगर यहाँ पे बात करें अपने देट की तो ये जो पार्टीशन है अगर इसको आप एक्शन लेते हो पार्टीशन को अगर आप क्या लेते हो एक्शन लेते हो तो डैट को अगर जो तरह लेते हो तो एक पार्टीशन को अगर एक्शन पार्टीशन भी वैसे एक्शन नहीं होना चाहिए था और डिस्पोजिशन है वो भी क्या एक नाउन है तो देट जो तो नहीं होगा क्योंकि एक्शन नहीं है ना और लगाया इसका मतलब दो एक्शन दे रहे हैं गलत हो गया बिल्कुल गलत हो गया तो दैट की कितना ही पढ़ो आप कि प्रोविजन एक प्रोविजन प्रावधान के साथ प्रावधान क्या है वो बता रहा है कि पार्टिसंस जो बंटवारे हैं वो टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन जो वसीयत की फॉर्म में जो स्थिति है किसी की वसीयत वगैरह है दैट हैड टेकन प्लेस अब हैड क्या डिड हैव है मांगेगा तो दैट अपने आप सब्जेक्ट बन जाएगा और जो बन जाएगा सब्जेक्ट बनती जो बन जाता है ये कि कनेक्टर की फॉर्म में मतलब अलग सेंटेंस को बताता अलग बात को कनेक्ट करता है या किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देता है वह इंडिकेशन बताता है कि वो चीज़ किसी नाउन के साथ आएगा तो ये जो अपने बात करें दैट हैड टेकन प्लेस हुआ है तो इसका मतलब हैड डिड उसका सब्जेक्ट है दैट इसका मतलब जो कितना दैट हैड हैड टेकन प्लेस जो टेक प्लेस कर चुका था मतलब जो हो चुका था प्रायर टू डिसम्बर ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर जो कब हो चुका था आपका बीस दिसंबर दो हजार चार से भी पहले हो चुकी थी क्या हो चुका था किसके लिए यूज दैट डिस्पोजिशन और पार्टीशन बंटवारे और जो वसीयत है जो उससे पहले ही बीस 20 दिसंबर दो हजार चार से पहले हो चुकी थी उस प्रोविजन के साथ मतलब क्या ये जो चेंज है ना वो आया तो कब था दो हजार में इफेक्ट में आया था ये वाली बात जो अभी बता रहा है ठीक है लेकिन जो प्रावधान था आपका क्या किस चीज़ का प्रावधान क्या कि जो पार्टीशन वगैरह जो आपके थे जो क्या कर चुके थे पार्टीशन वगैरह जो पहले ही हो चुके थे बंटवारा वगैरह जो पहले ही हो चुका था 2004 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुके थे डेट कौन सी डेट है ये द डेट ऑन विच द अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा जिस डेट पर अमेंडमेंट बिल संशोधन का बिल क्या किया गया विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था तो इस डेट 20 दिसंबर 2004 को तो क्या हुआ था प्रस्तुत किया था बिल और 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ था यह नियम समय पहले बिल आता है फिर बिल पास होता है उसके बाद में उसमें डिस्कशन वगैरह करके पास किया जाता है राज्यसभा वगैरह के द्वारा उसके बाद में पास होने के बाद में आपका लॉ लागू होता है तो एक साल के लगभग लग गया था इसको ठीक है विल रिमेन वो क्या रहेगा विल रिमेन वैलिड वो वैलिड रहेगा वेद रहेगा एंड अनअफेक्टेड बाय द चेंज और अनअफेक्टेड रहेगा किसके द्वारा चेंज के द्वारा मतलब कोई प्रभाव नहीं होगा चेंज का मतलब क्या निकला कि जो चेंज था वो आपका कब आया 9 सितंबर 2005 को आपका चेंज इफेक्ट में आया था लेकिन एक प्रावधान कौन सा प्रावधान कि जो वसीयत अब आप ये जो दैट हेड वाली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना इसको हटा दो आप यहां तक जहां तक मैं हटा रहा हूं तो विल का सब्जेक्ट क्या है आपका पार्टिसंस एंड

हो चुके थे कौन सी डेट जिस दिन ये बिल आया था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था उस डेट की बात कर रहा है तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा मतलब जो पुरानी वसीयत है 2004 से पहले दिसंबर बीस 20 दिसंबर 2004 से पहले जो जिसको जो प्रॉपर्टी दे दी गई है वो प्रॉपर्टी उसी की रहेगी ऐसे नहीं कि 2004 से पहले जो वसीयत लिखी गई है तो अब जाकर कोई जाकर ऐसे क्लेम कर दे कि हमारा बराबर अधिकार है तो वो गर्ल्स अब जो है वो पहले जो वसीयत बन चुकी है उस पर अब उनका अधिकार नहीं अब वो क्लेम नहीं कर सकते जैसी वसीयत बन गई उस टाइम पर बन गई दो हजार पाँच दिसंबर जो आपका बीस 20 दिसंबर दो है उसके बाद की बातों के लिए ये लो है अब वाला मतलब आप लोगों के लिए तो है ठीक है कोई दिक्कत नहीं आगे बात करें दिस लैड टू द इंटरप्रिटेशन इसने लीड किया किसकी तरफ लीड किया टू द इंटरप्रिटेशन एक बयान की तरफ एक प्रस्तुतिकरण की तरफ लीड किया मतलब लीड किया मतलब उसकी तरफ अग्रसर हुआ उसकी तरफ लेकर गया बात ट की कि कितने पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम कि द डोटर्स कोपासनरी राइट्स डोटर्स के जो कोपासनरी राइट्स हैं मतलब जो हम वारिस होने के बराबर इक्वल uh, जो आपके uh, अधिकारी होने के जो राइट्स हैं बींग प्रोस्पेक्टिव किस फॉर्म में होते हुए किस फॉर्म में आई एन जी क्लो जाएगा मतलब जो राइट्स है किस फॉर्म में है साथ में वो बींग प्रोस्पेक्ट मतलब भावी मतलब आगे जाकर उनका अधिकार होगा उस फॉर्म में वुड नॉट कम इन टू इफेक्ट वो क्या नहीं होगा इफेक्ट में नहीं आएगा वुड नॉट कम इंटू इफेक्ट उस इफेक्ट में नहीं है प्रभाव नहीं नहीं आएगा मतलब लागू नहीं होगा अनलेस कब तक जब तक वो द कोपासनर फादर जब तक जो वारिस के जो पिता है वारिस वाले वारिस टाइप के जो पिता हैं एंड हिज डॉटर और उसकी जो डॉटर है वर अलाइ वो जिंदा थे ऑन सेप्टेम्बर नाइन टू थाउजेंड फाइव नौ सितंबर दो हज़ार पाँच जब लागू हुआ था उसमें तो मतलब क्या निकला देखो एक चेंज आया था ऐसे और उसमें यह बोल दिया प्रावधान नियम ऐसे दे दिया गया था कोर्ट के द्वारा कि 20 दिसंबर 2004 से पहले जो विल लिख दी गई है जो वसीयत लिख दी गई है उस वसीयत पे क्या है कोई छेड़खानी नहीं होगी वो जो है वो वैलिड है ठीक है लेकिन इस बात से एक ऐसी धारणा आ गई क्या धारणा आई कि जो लड़कियां हैं लड़कियां जो हैं उनका जो बेटियां हैं उनका जो अधिकार है वो इफेक्ट में नहीं है मतलब उनको अधिकार नहीं मिलेगा किस कंडीशन में कब तक नहीं मिलेगा जब तक कि अगर वो दोनों के दोनों क्या हो बाप बेटी दोनों जिंदा हो सितंबर 9 2005 पे तभी उनको अधिकार मिलेगा नहीं तो उनको अधिकार है, नहीं मिलेगा मतलब बाप और बेटी उस 9 सितंबर 2005 को जिंदा होने चाहिए तभी जाकर उनको क्या मिलेगा अब वो क्या कर सकते हैं अपना बराबर अधिकार कौन से वाले के लिए बोल रहे हैं अब आप समझ में आई है क्या बोलना चाहता है ये से बोलना चाहता है कि ये उनके लिए बोल रहा है कि इससे यह धारणाई कि जिन लोगों की वसीयत नहीं बनी हुई ठीक है और जिनके पिता 2005 से पहले एक्सपायर हो गए और वसीयत अब तक नहीं बनी हुई थी 2005 के बाद में बनी है मान लो ठीक है इस तरीके से बात कर रहा है तो वसीयत उनकी 2005 से पहले नहीं बनी हुई थी और पिता पहले एक्सपायर हो गए थे तो उन लड़कियों को क्या नहीं मिलेगा अधिकार नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब ये यहां पे क्या करना चाहता है कि ये ऐसा है कि अगर वसीयत लिख दी गई हो चाहे उनको ये नहीं मतलब पिता जिंदा है या नहीं है उनको सिर्फ ये मतलब है कि 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर वसीयत लिख दी गई है तो कोई चेंज नहीं होगा ठीक है अगर उस टाइम के बाद चाहे पिता जिंदा हो चाहे ना हो फिर वसीयत लिखने की बात होती है फिर बराबर का अधिकार है समझ में ये बात उन्होंने ये बोली है आगे पढ़ते हैं आगे और क्लियर होगा आगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आगे पढ़ते हैं This position, ये जो स्थिति कंडीशन है वो क्रिस्टलाइज वो क्या होगी क्रिस्टलाइज की गई क्रिस्टलाइज का मतलब उसको स्पष्ट किया गया इन किसमेंडी दो हजार पंद्रह का जो न्याय जजमेंट आया निर्णय आया था उसमें ऑफ किसका ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का इन प्रकाश एंड अदर्स वर्सेज फुलावती फुलावती जो आपका केस, ये केस का नाम है ठीक है प्रकाश बाप का नाम होगा अदर्स मतलब उसके जो और वारिस थे वो फुलावती उनकी बेटी होगी ठीक है यही होगा और तो क्या होगा फूलवती है भैया फुलावती फुलावती तो क्या होगा फूलवती होता नाम ठीक है वो मैंने डायरेक्ट वे स्पीड में पढ़ दिया था फुलावती नहीं है ये फुलावटी अब इसको कोई फुलावटी मत पढ़ लेना ये फुलावटी नहीं है नाम क्या है फूलवती है समझ में आ रही इन चीज़ तो ध्यान से थोड़ा ध्यान से देखा करो प्रोनउंसिएशन में कई बार गड़बड़ हो जाती है क्योंकि स्पीड में पढ़ते हैं टी को टै पढ़ते हैं तो फुलावटी हो गया तो फुलावटी नहीं है फूलवती नाम है अगर हिंदी में अपने देखें अंग्रेज को पढ़ेंगे फुलावटी अंग्रेज क्या पढ़ेंगे इसको जो इंग्लिश में प्योर इंग्लिश बोलने वाले हिंदी नहीं आती वो बोलेंगे इसको फुलावटी तो उनको वो तो फुलावटी बोलेंगे ठीक है लेकिन फूलवती नाम है तो फूलवती वर्सेज ये जो आपका जो था क्या था केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था इसको क्रिस्टल कर दिया था मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिया था इस बात को आगे पढ़ें क्या क्लियर किया था दिस जजमेंट नाव स्टैंड्स ओवर रूल्ड और ये जजमेंट जो है इस जजमेंट को उसने क्लियर कर इस पोजीशन को क्लियर किया था कि हाँ ये पोजीशन है कौन से वाली कि अगर उनके पिता Uh, 2005 तक जिंदा थे तभी उनको मिलेगा तो कोई ऐसा केस आया होगा उसमें क्लियर कर दिया होगा लेकिन अब बोला है दिस जजमेंट नाउ स्टैंड्स एंड ओवर रूल लेकिन ये जो जजमेंट है वो अब ओवर रूल्ड है मतलब अब इस जजमेंट को रद्द कर दिया गया है मतलब अब ऐसा नहीं है अब ऐसी बात नहीं है अब ओनली बात क्या है कि वसीयत पहले की बनी हो तो नहीं हो सकता पिता जिंदा थे या नहीं थे उससे कोई मतलब नहीं है ये बात इसने बोली आगे समझे आगे बोला द कोर्ट्स रीजनिंग कोर्ट की जो रीजनिंग है कोर्ट कोर्ट का मतलब जो कोर्ट है उसकी जो रीजनिंग है अदालत की जो रीजनिंग है मतलब तर्क शक्ति है तर्क संबंधी जो चीज़ें तर्क मतलब सोचने की क्षमता इज अनएक्सेप्सनेबल वो क्या अनएक्सेप्ट मतलब बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बहुत ज्यादा अच्छी है आगे बात करें फर्स्ट फर्स्ट पहली बात क्या है देखो यहाँ पे बात करें अपने आगे फर्स्ट पहली बात क्या है इट लोकेट्स ये लोकेट करता है इट का मतलब कोर्ट कोर्ट क्या करता है लोकेट करता है या इसकी रीजनिंग है जो लोकेट करती है डज लोकेट बताती है द ओरिजन ओरिजिन का मतलब जो उद्भव निकलना किस चीज का उत्पन्न होना ऑफ द कोपार्शनरी राइट जो उत्पत्ति है किसकी कोपार्शनरी राइट जो आपका आ, हम वारिस वाला उत्तराधिकार वाला जो अधिकार है इन वंस बर्थ एक की किसी एक का मतलब यूनिवर्सल कोई भी बेटा बेटी कोई भी हो उसकी जो जन्म है उसके अंदर इसका ओरिजिन लोकेट करता है मतलब ये अधिकार आपको कहाँ से मिलता है जन्म से ही मिल जाता है लोकेशन क्या बताता है जन्म से ही बता देता है मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है आप लोगों का समझ में आई दूसरी बात क्या बोला इसने सेकंड सेकंड क्या रीजनिंग है उनकी सेकंड इट फाइंड्स ये फाइंड करता है पता लगाता है बताता है दैट देर इज नो नेसेसिटी कोई जरूरी नहीं है कोई जरूरत नहीं है देर इज नो नेसेसिटी कोई जरूरत नहीं है फोर के लिए किसके लिए का मतलब जो पूर्वज है आपके उनका जो मतलब जो हमवारिस टू बी होना अलाइव जिंदा होना फॉर वन किसी के लिए वन किसी भी व्यक्ति के लिए टू एक्वायर क्या करने के लिए प्राप्त करने के लिए एक्वायर का मतलब प्राप्त करने के लिए दैट स्टेटस वो वाला स्टेटस कौन सा कुपार्सनर वाला हमवारस वाला स्टेटस प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं है क्लियर है टू किस तरह से वो क्या टू एक्वायर एक्वायर करने के लिए एक्शन है मॉडल टू बी मॉडल बी एक्शन मॉडल तो पहले वाला जो टू है वो कुपार्सनर के लिए आया है कौन सा जो पिता है उसके लिए आया है सेकेंड वाला जो टू है वो उनकी संतान के लिए आया है ठीक है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो मतलब क्या निकला वन टू एक्वायर एक कोई भी व्यक्ति कोई भी संतान उसको क्या करने के लिए एक्वायर प्राप्त करने के लिए स्टेटस प्राप्त करने के लिए स्टेटस तो कौन प्राप्त करेगा वो संतान प्राप्त करेगी ठीक है जो संतान को संतान को स्टेटस प्राप्त करने के लिए ठीक है उस संतान को स्टेटस प्राप्त करना है देखो पर्पज क्या है उसका स्टेटस प्राप्त करना है पर्पज की फॉर्म में पढ़ो इन्फिनेटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कैसे बोलना चाहता है संतान को क्या करना है स्टेटस प्राप्त करना है जिस संतान को स्टेटस प्राप्त करना उस संतान के लिए पिता का जिंदा होना नॉट नॉन नेसेसिटी कोई जरूरत है, नहीं है समझ में आया तो कोई जरूरी नहीं है क्या किसके लिए एक पिता के लिए जरूरी नहीं है जिंदा होना किसके लिए जिंदा होना संतान के लिए जिंदा होना क्या करने के लिए संतान के प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए स्टेटस प्राप्त करने के लिए समझ में आया इस तरीके से यह बात इसने बोली है समझ में आया आप लोगों के तो फर्स्ट वाला जो टू है मतलब वन टू एक्वायर संतान को तो प्राप्त करना है संतान को प्राप्त करना है उस संतान के लिए पिता का जिंदा होना ठीक है मतलब उस पिता के लिए जिंदा होना कोई जरूरी नहीं है उस संतान को बराबर का हक दिलवाने के लिए समझ में आई चीज एज जैसे कि वट इज रेलेवेंट जो कि क्या है रेलेवेंट है बिल्कुल जुड़ा हुआ है उससे सिमिलर है वट इज रेलेवेंट इज बर्थ बर्थ जो वट इज रेलिवेंट जो कि रेलिवेंट है जो कि रेलेवेंट जो जरूरी है वो क्या है वो है बर्थ तो पूरी बात को क्या बनाएगा सेंटेंस बनाएगा वट इज रेलिवेंट को सब्जेक्ट बनाएगा किसका इज का जो जरूरी है जैसे कि जो जरूरी है वो क्या है वो जन्म है विद इन द डिज डिग्रीज का मतलब ओहदा दर्जा विद इन डिग्रीज ऑफ succession का उत्तराधिकार टू विच जिसके तरफ टू विच इट एक्सटेंड जिसकी तरफ ये एक्सटेंड होता है क्या एक्सटेंड होता है बढ़ता है स्टेटस ये इट यूज हुआ है स्टेटस के लिए और विच यूज हुआ है आपका सक्सेसन के लिए तो मतलब क्या निकला? बड़ी शानदार वाले सेंटेंस आ रहे हैं ना यहाँ पे तो मीनिंग लेते चलो और ग्रामेटिकल देखते जाओ कि यहां कोई गड़बड़ तो नहीं है क्या समझ में यार चीज़ तो जैसे कि व्हाट इज रेलिवेंट जो कि जरूरी है वो क्या है जन्म है विद इन द डिग्रीज जन्म किसके विद इन उसी के विद इन किसके डिग्रीज जो दर्जा वगैरह है किसका ऑफ सक्सेसन उत्तराधिकार का जो उनकी उपाधि है मतलब उनका दर्जा है टू विच जिसकी तरफ डिग्रीज जिसकी तरफ इट एक्सटेंड जिसकी तरफ ये आपका एक्सटेंड होता है कौन है स्टेटस स्टेटस एक्सटेंड मतलब बढ़ता है उसकी तरफ जाता है क्लियर है यहाँ तक समझ में आया अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने अपने देखें तो ये क्या बोलना चाहता है इन दैट सेंस उस सेंस में अगर अपने उस सेंस में बात करें तो इन दैट सेंस उस सेंस में अपने बात करें उस तरफ अपने बात करें द लेजिस्ट मतलब उस सेंस uh, का मतलब मान्यता की फॉर्म में बात करें अपने ठीक है उस डायरेक्शन में बात करें द लेजिस्लेशन जो लेजिस्लेशन है जो कानून है इवन दो हालांकि इट कम्स इन टू इफेक्ट

प्रिस्क्राइब्ड डेट पूर्व निश्चित जो डेट है उस पर लागू होता है इज रेट्रो एक्टिव वो क्या है पहले से ही एक्टिव है पहले से ही शुरू है पहले से ही क्या है सक्रिय है इन इट्स एप्लीकेशन अपनी एप्लीकेशन कार्यवाही में ठीक है इज जैसे कि इट इज लिंक्ड टू ये लिंक्ड है जुड़ा हुआ है टू किसकी तरफ बर्थ किसकी तरफ बर्थ की तरफ एन एंटीसीडेंट इवेंट जो कि क्या एक एंटीसीडेंट मतलब पहले से हो चुका इवेंट है पहले से हो चुकी घटना है क्या बर्थ जन्म जो ऑलरेडी हो चुका है वो ऐसी इवेंट है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है किसकी बर्थी द मिस्टर क्ला द सीओ वाला केस है तो इस इज का सब्जेक्ट बता दो रेट्रैक्टिव वाला का तो प्रिस्क्राइब डेट को ऑन खा गया ठीक है इफेक्ट को इनटू खा गया इट कम्स के साथ चला गया इवन दो अलग बात है लाजिस्ट लेसन इसका सब्जेक्ट है तो आप एक बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटा लो यहाँ से हटाना इसको क्या बोला है द लेजिस्लेशन इज बोलाटिव वो लेजिस्लेशन ही क्या है रेट्रोएक्टिव है कौन सा लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन हालांकि ये क्या आता है एक पूर्व निश्चित जो आपकी डेट है उस पर आता है पहले से निर्धारित की, की, की डेट पे, फिक्स डेट पर आता है फिर बी हालांकि ये फिक्स डेट पे आता है तो वो लेजिस्लेशन क्या है उस सेंस में बात करें तो वो रेट्रोएक्टिव है मतलब वो ज्यादा एक्टिव फॉर्म में है पहले से ही एक्टिव है इन इट्स अपनी कार्यवाही में क्योंकि ये क्या करता है ये लिंक्ड है किसकी तरफ यहाँ बिको एज क्योंकि एज uh, का मतलब की तरह भी होता है जैसे की भी होता है क्योंकि भी होता है क्योंकि क्यों है ये रेट्रोएक्टिव पहले से ही ऑलरेडी एक्टिव क्यों है क्यों एक्टिव है क्योंकि ये जन्म से ही जुड़ा हुआ है जो कि क्या पहले से हो चुका इवेंट है तो रेट्रोएक्टिव कैसे हो गया ये लेजिस्लेशन कानून पहले से मतलब कानून आया तो आपका एक फिक्स डेट पर कानून आया तो अब है दो में आया सोचने वाली बात है ना कानून आया तो दो में है लेकिन ये पहले से ही आया ही क्या है? कि है ना इस तरीके से मिलेगी कानून ये, मिले ये आज है उसके ऊपर लेकिन वो बंदे का जन्म बीस साल पहले होता है तो, तो वो तो बीस साल पहले अपने आप ही चला गया ना कानून कानून अपना रिफ्लेक्शन कहा छोड़ रहा है बीस साल पहले जाकर नहीं छोड़ रहा गया तो रेट्रैक्टिव होगा कि नहीं होगा जो बीस साल पहले पहले बीस साल जो पीछे हैं वहां जाकर अपना इंपैक्ट डाल रहे हैं तो क्यों नहीं होगा रेट्रेक्टिव रेट्रेक्टिव होगा समझ में चीज आगे अपने बात करें रेट्रेक्टिव समझ में ना किस तरीके से वर्क करता है जो पहले से एक्टिव हो मतलब जिस चीज का इंपैक्ट पास्ट में जाकर हो रेट्रेक्टिव का मतलब ये होता है समझ में चीज जैसे अपने बात करें कि स्पेशल कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए इंडिया के जो नागरिक है मान लीजिए ठीक है मान लीजिए बाहर से कोई आया इंडिया के अंदर तो अपने ऐसे बोल दें कि जो पांच साल जिनको इंडिया में रहते हुए हो गए ठीक है पांच साल जिनको इंडिया में रहते हुए हो गए उनको यह अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनको एक स्पेशल उनके अकाउंट में पेमेंट डाली जाएगी ठीक है या फिर कोई स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा जो पांच साल जिनको हो गए तो उन जो पांच साल हो गए उन लोगों के लिए अभी आया है ठीक है और वो उनको कैसे दिया जाए बाय बर्थ दिया जाएगा कि जिन्होंने इंडिया में जन्म लिया उसी अकॉर्डिंग या फिर ऐसे छोड़ो आप ऐसे पढ़ो कि इसको इंडियन जो है इंडिया के जो सिटीजन्स है जिनको नागरिकता मिली हुई है और वो लोग उन लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से ठीक है स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा जो इंडिया में तो कानून कब आया है आपका मतलब जन्म से ही उनको ये स्टेटस मिल जाएगा टाइप से जन्म की फॉर्म में तो कानून तो आपका क्या आया है अब आया है लेकिन इंडियन आप पहले से ही हो ना तो इसका इंपैक्ट क्या पीछे जाकर नहीं हो रहा क्या तो पीछे जाकर नहीं हो रहा क्या वो स्टेटस आपको हमेशा से ही वो स्टेटस मिल जाएगा मतलब हर एक डॉक्यूमेंट अब ऐसे समझो ऐसे ज्यादा समझ में आएगा कि आपके हर एक डॉक्यूमेंट में आपको ये नाम दिया डेजिग्नेशन जा, दिया जाएगा इंडिया में आप लोगों को एक मतलब कोई भी उपाधि बड़ी उपाधि दी जाएगी हर बंदे को जो इंडियन है उसको ठीक है एक उपाधि दी जाएगी एक स्पेशल उपाधि दी जाएगी हर उस एक डॉक्यूमेंट में जो उनके टेंथ वगैरह जो है तो टेंथ तो अपनी हो चुकी है आज रूल आ लो आज आए लॉ आज बनाए लेकिन दसवीं की मार्कशीट में अपना नेम चेंज हो गया कि नहीं हो गया वहाँ पर अपने को उपाधि मिली कि नहीं मिली इम्पैक्ट उसने टेंथ क्लास में जाकर किया या नहीं किया किया ना तो ये होता है रेट्रोएक्टिव जिसका एक्टिव इम्पैक्ट क्या हो पास्ट पे भी इंपैक्ट हो उसको बोलते हैं है, है, मतलब उस है। द लेजिस्लेशन जो कानून है मैक्स इट क्लियर डजमैक इट क्लियर इसे क्लियर बना दे इस बात को क्लियर बना देता है बात आगे बोलेगा लेजिस्लेशन सब्जेक्ट डज डजमेक का दैट की द डोटर्स राइट्स जो बेटियों का जो अधिकार है अधिकार बहुत सारे अधिकार हैं आर द सेम वो सेम है बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ ए सन जैसे कि एक बेटे के हैं तो इस कानून ने एक बात और क्लियर की है क्या क्लियर किया है कि कानून ये बात क्लियर कर देता है दोनों दैट आपके की की तरफ वो कर रहे हैं कि जो बेटियों का अधिकार बिल्कुल सेम है जैसे कि बेटे के अधिकार दैट ऑफ का मतलब दैट ऑफ किसके लिए यूज है राइट्स के लिए यूज है? है जैसे कि बेटों के अधिकार है वैसे ही बेटियों का अधिकार है एंड और एज इफ एज इफ जैसे कि जैसे कि कंडीशन की जैसे कि कंडीशन में क्या इफ सी हैड बीन ए सन एट द टाइम ऑफ बर्थ कि वो जब पैदा हुई थी वो एक बेटा ही थी इस तरीके से अधिकार मिलेगा समझ में आया तो ये ऐसे बोल रहा है कि ये बात क्लियर कर देता है कि बेटियों का अधिकार बिल्कुल सेम है जैसा कि बेटे का अधिकार है और अधिकार उसी तरीके से उनको दिया जाएगा कि ऐसे ही मान लो कि वो एक बेटे की फॉर्म में ही पैदा हुई थी अगर आप बेटे को प्रायोरिटी ज्यादा देते हो तो आप यही मान लो कि वो एक बेटा ही थी बेटी नहीं थी समझा चाहिए किस फॉर्म में वैसे नहीं बोल रहा मैं कि आप क्योंकि ऐसे बोला जाता है गर्ल्स को कि कोई भी आप बहुत अच्छा काम गर्ल्स कर दे तो उनको बोलता है कि बेटे की तरह काम किया है तो क्यों बेटी की तरह काम नहीं हो सकता बेटी नहीं कर सकती क्या तो बेटी को मतलब अगर बेटी ने अच्छा काम भी किया है ना तो भी ऐसे बोलते हैं कि बेटे की तरह काम किया है मतलब यहाँ पे भी बेटी को क्या दिया किया गया है नीचा ही दिखाया गया है तो ये अपने समाज में है ये सबसे बड़ी गल, गलत चीज़ है जब बेटी ने बोला कि इतना प्राउड वाला काम किया तो इसने मेरी बेटी की तरह काम किया ये बोलो ना बेटे की तरह काम किया ये क्यों बोल दो बेटे को बेटे का बोलो बेटी को बेटी का बोलो तो ये तो पार्सलिटी होगी ना फिर से पार्सलिटी मैं वैसे नहीं बोल रहा मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर कोई मानता है ना कि बेटे का अधिकार है तो ऐसे ही मान लो कि उसको अधिकार मान लो ये बेटा ही है मतलब बेटा बेटी दोनों बराबर है इस तरीके से ये बात बताना चाहता है इसको नेगेटिव मत ले जाना जो मैं बोल रहा हूँ जो दा हिंदू बोल रहा है ठीक है द हिंदू नेगेटिव नहीं बोला वो वैसे बोल रहे हैं कि बेटा बेटी एक्स मान मतलब ऐसे ही मान लो यही बेटा है यही बेटी है बेटा बेटी है बेटी, बेटी बेटा है दोनों एक ही है इस तरीके से बोला है अधिकार के मामले में ये बात उसने बोली समझ में आया आगे बात करें द कोपार्सनरी स्टेटस कोपार्सनरी जो हमवारिस वाला जो स्टेटस है दर्जा है गिवन टू डोटस गिवन आ गया वी थ्री आ गया डायरेक्ट क्लोज ही आएगा और तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि एक्शन की फॉर्म में पैसिव फॉर्म में सेंटेंस तो जाएगा नहीं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लोज ही जाएगा क्योंकि सेंटेंस के लिए तो क्या चाहिए आपको यहाँ पे मॉडल वगैरह चाहिए तो क्या मिला द कोपासनरी स्टेटस गिवन टू डॉटर्स जो डॉटर्स को दिया गया है जो स्टेटस दर्जा बीन इस सब्जेक्ट वो एक सब्जेक्ट बन चुका है एक विषय बन चुका है किसका विषय बन चुका है ऑफ रिफॉर्म इन मैनी स्टेट्स बहुत सारे स्टेट्स में एक क्या बन चुका है एक सब्जेक्ट विषय बन चुका है रिफॉर्म सुधार का बहुत सारे स्टेट्स में पर्टिकुलरली बीन का सब्जेक्ट क्या है स्टेटस हो जाएगा ना ठीक है डोटर्स को टू खा गया पर्टिकुलर पर्टिकुलर विशेष तौर पे बात करें साउथ in इंडिया किसमें साउथ इंडिया में लॉन्ग बिफोर बहुत पहले बिफोर द यूपीए रिजिम यूपीए जो गवर्नमेंट है आपकी रिजिम ब्रोट इन द अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट सुधार संशोधन में लेकर आई थी फॉर द होल कंट्री पूरी कंट्री के लिए जो लेकर आई थी यूपीए जो पूरी कंट्री के लिए ये लेकर आई थी लॉ ठीक है संशोधन का लेकर आई थी ब्रॉट वी टू है किसके लिए यूपीए पी पद्धति शासन की बात हो रही है वो शासन यूपीए शासन जो लेकर आया था अमेंडमेंट के में ठीक है पूरी कंट्री के लिए उससे बहुत पहले ये बहुत सारे स्टेट्स में सब्जेक्ट बन चुका है मतलब बहुत सारे स्टेट्स में ये लो लगाया जा चुका है अपने पर्टिकुलर वे में बात करें तो साउथ इंडिया की बात ये कर रहा है वहाँ पर बिल्कुल से साउथ इंडिया में बेटा बेटी सब समान समझा जाता है इस तरीके से बात है मतलब वो ज़्यादा डेवलप्ड है थोड़ा साउथ इंडिया अपने बात करें तो समाज की फॉर्म में आगे बात करें अब नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ में अपने बात करें इसने क्या बोला है केरला हैड इंट्रोड्यूस्ड केरला क्या कर चुका था इंट्रोड्यूस कर चुका था लेजिस्लेशन इन नाइनटीन अब बताने लग गया यहाँ पे कि केरला क्या करने लग गया था इंट्रोड्यूस कर चुका था क्या लेजिस्लेशन कानून को उन्नीस में ठीक है आंध्र प्रदेश इन 1986 1986 में आंध्र प्रदेश ने कर दिया था इस कानून को तमिलनाडु इन नाइनटीन तमिलनाडु नाइन में कर दिया था एंड महाराष्ट्र एंड कर्नाटक इन 1994 और महाराष्ट्र और कर्नाटक ने यह कानून लागू कर दिया था इंट्रोड्यूस किया था अपने स्टेट के अंदर कब 1994 में ये बात बताइए आगे बढ़े द लेजिस्लेटिव एम कानूनी जो उद्देश्य है लक्ष्य है वो वो क्या था वो क्या था दैट की क्या था की ए फ्लैगरेंट की होगा यहाँ पे देखो दैट तो हो नहीं सकता क्योंकि फ्लैग्रेंट और इसमें बीच में ए आ गया तो अलग से डिफाइन कर दिया जो होगा नहीं क्यों नहीं होगा कि उसके बाद में कोई मॉडल वगैरह नहीं है तो की, -की तरह होगा दैट ए फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन फ्लैग्रेंट का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अत्यधिकों ना घोर घोर जो डिस्क्रिमिनेशन पक्षपात भेदभाव बिटवीन किसमें सनस एंड डोटर्स बेटों और बेटियों में जो भेदभाव है बहुत ज्यादा ठीक है इन एंटाइटलमेंट किसमें अधिकार में टू एन किसकी तरफ एन इक्वल शेयर इन कुपासनरी प्रॉपर्टी एक जो हम वारिस वाली जो जायदाद है उसके इक्वल शेयर में ठीक है उस प्रॉपर्टी में शेयर की तरफ जो उनका एंटाइटलमेंट है उनका जो अधिकार है उस अधिकार में बेटे और बेटियों के बीच में जो घोर क्या है भेदभाव है दैट इज़ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड जो कि प्रॉपर्टी है अब इस प्रॉपर्टी के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई डैड इज़ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर जो कि क्या है किसी के पिता से इनहेरिटेड मतलब पिता से बेटे बे, बेटे बेटियों के पास आई है संतान के पास आई है ठीक है इनहेरिटेड विथ रही है किसका प्रॉपर्टी का क्योंकि प्रॉपर्टी को इसका तीर लग गया डस बी का तीर लग गया समझ में आई चीज़ इनहेरिटेड मतलब जो इनहेरिटेड का मतलब होता है वंश की फॉर्म में आगे से आगे पास होना उत्तराधिकार की फॉर्म में ग्रांड दादा एंड ग्रैट ग्रांड फादर का मतलब पड़दादा ठीक है उनकी बात करें शुड बी डन अवे विद डन अवे विद का मतलब उसके साथ डन अवे कर लेना चाहिए उससे दूर हो जाने मतलब उसको ख़त्म कर देना चाहिए शुड का सब्जेक्ट ढूंढने चले तो ग्रैंड ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर एंड वन फादर को फ्रॉम खा गया इनहेरिटेड तो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट तो आपका नाउन होना चाहिए प्रॉपर्टी इज ले गया उसको और ये जो कोपांसनरी प्रॉपर्टी उसको इन खा गया इक्वल शेयर को टू का तीर लग गया टू खा गया उसको एंटाइटलमेंट को इन खा गया डॉटर्स एंड सन्स को बिटवीन खा गया डिस्क्रिमिनेशन बचा तो जो डि बहुत बड़ा सेंटेंस है डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्या कर देना चाहिए क्या करना चाहिए सजेशन दिया है यहाँ पर एडवाइस दिया है उसको खत्म कर देना चाहिए ये बात इसने बोली पूरी बात समझ में आई कि आप लोगों को दोबारा से देखो एक बार रफ करके दोबारा से देखते हैं बात को लास्ट पैराग्राफ है ठीक है रफ करके दोबारा से देखते हैं क्या कि जो आपके ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर फादर है किसी के किसी भी यूनिवर्सल में वन यूज के यूनिवर्सल कोई भी हो सकता है उनसे जो वंशानुगत जो मिली हुई प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कौन सी है वो कुपासनरी प्रॉपर्टी जो है मतलब जो सागर को विली हुई जो अमवारिश वाली जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में जो बराबर का हिस्सा उस बराबर के हिस्से की तरफ जो अधिकार है उस अधिकार में बेटे और बेटियों के बीच में जो भेदभाव है उसे दूर कर देना चाहिए बैक से पढ़ें तो ज्यादा क्लियर हो गया समझ तो ये बात इसने बोली है और क्या है ये ये एम था किसका एम था ये ये किसका एम था ये लेजिस्लेटिव एम था मतलब कानूनी एम था उस लो का एम यही था कि उस भेदभाव को खत्म किया जाए क्लियर है समझ में आया आगे पढ़ें इट इज इंडिड ये वास्तव में वेलकम एक वेलकम है वेलकम का मतलब क्या होगा एक स्वागत है दैट की द अपेक्स कोर्ट हैज सोट अपेक्स कोर्ट ने सोट किया है सोट किया मतलब देखा है ध्यान दिया है किस पे सोट टू गिव फुल इफेक्ट पूरा इफेक्ट देने का उन्होंने कोशिश की है फुल इफेक्ट पूरा प्रभाव टू दिस

इंटरप्रटेशन चेंज होने वेरी करने वाले इंटरप्रटेशन तो कैसे इंटरप्रटेशन वेरी करने वाले ठीक है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव और अराइजिंग आपका क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा ठीक है तो इसने बोला है कि जो चेंज होते इंटरप्रटेशन का मतलब लोगों के द्वारा जो बयान है मतलब लोग बोल रहे हैं स्पष्टीकरण कोई बोल रहा है कि हाँ ये इस तरीके से होगा मतलब उसके पिता जिंदा होने चाहिए थे इस तरीके से ये सारे के सारे जो इंटरप्रिटेशन है उनसे जो डाउट्स अराइज हो रहे हैं उनको सेटिंग अप उसके ऊपर जो सेटिंग करना ठीक है उसके द्वारा जो इसको क्या दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने ये वेलकम वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरा पूरा इफेक्ट दिया है मतलब उस बात को सामने लेकर आया है उस चीज़ को क्लियर किया है ये बात इसने बोली क्लियर है समझ में आया समझ में आएंगे ना चीज़ तो ये चीज़ है देखो प्रॉपर्टी अब यहाँ पे है कि बेटे और बेटी का अधिकार बिल्कुल बराबर है और बड़ा ही शानदार वाला ये काम किया गया सुप्रीम कोर्ट का जो ये लो है बड़ा ही अप्रिसिएसन वाला बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने वाला है क्योंकि इसी चीज़ से बेटे बेटी दोनों बराबर होंगे मेल फीमेल का जो डिस्क्रिमिनेशन है न, वो ख़त्म होगा दोनों को बराबर समझा जाएगा बेटियों के साथ क्या नहीं किया जाएगा शोषण नहीं किया जाएगा ये लो बहुत ही अच्छा लो है ठीक है समझ में आ रही चीज़ तो इस तरीके से बोला है और वैसे प्रॉपर्टी की अपने बात करें तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं समाज में दंगे हो जाते हैं पता नहीं है, लोग एक दूसरे को मार तक देते हैं लेकिन जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उस पर आप लोग है ना मत डिपेंड रहा करो समझ में चीज़ खुद में ऐसा दम रखो कि आप खुद से अपनी प्रॉपर्टी डेवलप कर पाओ मैं तो यही मानता हूँ देखो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, वो है वो अपने साथ रहिया से नहीं है उनको बेच देंगे सर ठीक है बेचना भी नहीं है कहीं बोलेंगे सर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बेच देते खुद से बनाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना उनका नाम खराब थोड़ी करना है उनकी प्रॉपर्टी वो उनकी मेहनत है उसकी मेहनत को तो आपको संजो कर रखना है देखो होता क्या है पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसको तो आपको संजो कर रखना है क्योंकि वो आपकी पेरेंट्स की मेहनत है उसके अंदर आपको ऐड करना है अपनी तरफ से कम नहीं करना बढ़ाना है समझ में आ रही चीज़ उस प्रॉपर्टी को बढ़ाना है कम नहीं करना उसको समझना यार चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है कि कई लोग ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत गरीब परिवार में पैदा हूँ ये कितने अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं पैसे वाले हैं जॉब भी लग जाती है इनको क्योंकि इनको टाइम मिलता है पढ़ने का हमें टाइम नहीं मिलता तो ऐसा मत सोचो कि पेरेंट्स की, कि कैसे बोलते हैं कि काश मैं उस घर में पैदा होता अमीर घर में पैदा होता ऐसा नहीं होता आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत कुछ दिया है समझ में ये चीज़ इतना कुछ किया आपको पढ़ा लिखा दिया ये भी बहुत बड़ी बात है उनसे बेस्ट पेरेंट नहीं मिल सकता किसी को अपने पेरेंट्स से बेस्ट पेरेंट कहीं पे भी नहीं मिल सकता प्रॉपर्टी नहीं होती ओनली उन्होंने आपको इस लायक बनाया है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो अगर आप रियल में समझो तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि उन्होंने आपको डेवलप कर दिया आपको पढ़ा लिखा दिया ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आप लोगों को दे दी उन्होंने समझ में आई ना चीज़ समझ में आई ना आपके बात तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड नहीं रहना आपको खुद से भी अपना नाम कमाना है खुद से भी कुछ करना है यही मैं एक बात बोलना चाहूंगा ये मेरा ओपिनियन है कि पेरेंट्स ने अपने को प्रॉपर्टी दी उन्होंने अपने को जो कुछ दिया बहुत अच्छा दिया जितना भी दिया बहुत बेस्ट दिया चाहे कम दिया चाहे ज़्यादा दे पाए वो कम तो क्या देंगे वो अपनी तरफ से तो अपने से भी ज़्यादा देते हैं कंडीशन देखी होगी आप लोगों ने अपने पेरेंट्स की वो अपने से ही ज़्यादा देते हैं आप लोगों को आपके लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं ठीक है उन्होंने जितना भी आपको दिया है अपनी मेहनत से जितना दिया है वो बहुत अच्छा और द बेस्ट दिया इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट दिया है आपको अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस जो पेरेंट्स ने आपको प्रॉपर्टी दी है जो चीज़ आपको क्वालिफिकेशन दी है जो चीज़ जिस तरीके से आपको डेवलप किया है जो डेवलपमेंट आपको दिया है उस डेवलपमेंट के साथ आप दुनिया में क्या करते हो वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है कि आप कहाँ तक जाते हो उन अपने पेरेंट्स का जो दिया गया उन पेरेंट्स की जो आपकी मेहनत है उसको किस हद तक लेकर जाते हो किस लेवल तक लेकर जाते हो ये आप पर डिपेंड करता है कितना ज़्यादा उनका नाम रोशन करते हो उनकी मेहनत को कितना जाया करते हो ठीक है उस मेहनत को मतलब आप पॉजिटिव वे में लेकर जाते हो कितना ज्यादा उस मेहनत को आप पॉजिटिव वे में लेकर जाते हो समझ में जाया नहीं करना ठीक है कितना पॉजिटिव वे में लेकर जाते हो उन्होंने जितनी आप लोगों के साथ मेहनत की है जो उन्होंने आपको दिया उसको कितना बूस्ट कर पाते हो कितना उनकी आंखों में चमक ला सकते हो कितना उनको प्राउड फील करवा सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है तो रियल प्रॉपर्टी वही है जो आप कमाते हो आप अपना जो नाम कमाओगे खुद से जो करोगे वो ही रियल प्रॉपर्टी होती है ये बात यहाँ पे अपने बात करें तो ये रियल बात मैंने ये आपको बता दी तो प्रॉपर्टी के चक्कर में लड़ना नहीं चाहिए बहुत गलत चीज़ होती है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपका माइंड है समझ में आ रही चीज़ तो वो आपके साथ है वो कोई नहीं ले सकता क्लियर है तो ये बात यहाँ पर बोलिए तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था और इसकी जो आपकी वर्किंग है वो भी बड़ी ही क्या थी आपकी बहुत ज़्यादा शानदार वर्किंग थी यहाँ पे तो इसको रिवाइज कर लेना सेंटेंसेज भी बड़े मस्त वाले सेंटेंसेस थे और इन्फॉर्मेशन तो अल्टीमेट थी एक नंबर अल्टीमेट अपने बोले बेस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है बहुत ही अच्छा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का एप्रिसिएसन वाला ऐसा डिसीजन और ऐसी इन्फॉर्मेशन थी तो ठीक है इसको रिवाइज़ करते रहो आप जो एडिटोरियल वगैरह उनको रिवाइज़ किया करो और जो न्यू एडिटोरियल उनको खुद से भी पढ़ पढ़ लिया करो ठीक है तो रिवाइज़ कर लेना इसको अच्छे से ठीक है ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्वर्ण की परख के लिए पहले उसे कसौटी के पत्थर पर घिसा जाता है अग्नि में तपाया जाता है पीटा जाता है और फिर जल से शुद्ध किया जाता है जो इन मापदंडों पर खरा उतरे वही स्वर्ण जो ना उतरे वो तांबा इसी प्रकार सज्जन और दुर्जन व्यक्ति को परखने के भी। कुछ मापदंड होते जिन्हें जानना आवश्यक है। क्रोध सज्जन को भी आ सकता है परंतु दुर्जन के विपरीत सज्जन का क्रोध सदैव अत्याचार के विरुद्ध ही होता है अपने से ऊंचे पद वाले के सामने तो दुर्जन भी नतमस्तक होता है परंतु सज्जन वही जो अपने से नीचे कार्य करने वालों को भी आदर की दृष्टि से देखे इसलिए स्वर्ण लेना हो या सज्जन का संग इन मापदंडों पर परखने पर पर के पश्चात ही कोई निर्णय ले नीतियां में